हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू, देखिए आज मैं बहुत ही टेस्टी मटन बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मीट बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम के करीब मीट लिया है फ्रेंड, अच्छे से धो के, और 100 ग्राम कलेजी लिया है। तो दोनों चीज़ हम साथ में ही बनाएंगे। तो कलेजी भी बहुत टेस्टी लगता है मटन के साथ, अभी इस तरह से कलेजी और मटन मिला के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुपर टेस्टी लगता है। तो अब इसके लिए साथ में मैंने, देखिए 600 ग्राम मेरा मटन है तो मैंने 400 ग्राम के करीब प्याज लिया है इस तरह से छील के। तो प्याज को भी हम इसको काट लेते हैं, पतला पतला स्लाइसेस में काटेंगे प्याज को। और साथ में हम मसाले भी रेडी कर लेते हैं। तो हम जो है मसाले वो घर में ही तैयार करके डालते हैं, बहुत लोग तो मटन मसाला भी डालते हैं लेकिन मैं इस तरह से घर पर ही मसाला बना के डालती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इसके लिए मैंने सूखी मिर्च लिया है 4, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा लहसुन लिया 8-10 कली, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च लिया है। तो मसाले को भी हम पीस लेते हैं, चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक पतीला लिया है, पतीले में हम क्या करेंगे ना, मटन डाल देंगे, मटन को सारे मटन को हम डाल दे रहे हैं। साथ में हमने प्याज को जो लंबा लंबा काट के लिया है, वो प्याज देखिए लंबा लंबा इस तरह से काट के लिया है, वो भी हम डाल दे रहे हैं। और साथ में क्या करेंगे ना फ्रेंड, कुछ मसाले हम डाल दे रहे हैं। तो हम नमक डाल दे रहे हैं, और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, और 1 चम्मच हम मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं, 2 तेज़पात डाल दे रहे हैं, 1 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है तीखा वाला, वो भी डाल दे रहे हैं। और साथ में जो मसाला मैंने पीस के रेडी किया था वो मसाला 1 चम्मच के करीब डाल दे रहे हैं, 1 से 1.5 चम्मच। और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे 2-3 चम्मच के करीब, और साथ में हम इसको मिला के 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया मटन के साथ, तब हम 10-15 मिनट के करीब हम छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो देखिए 10-15 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, सीधे हम गैस पे चढ़ा देंगे और ढक के हम 15 मिनट के करीब पकाएंगे, 15 से 20 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड, 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो मेरे प्याज भी गल चुके हैं, मटन भी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें देखिए प्याज भी गल चुका है और मटन भी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हम ढक के फिर 15 मिनट और पकाएंगे फ्रेंड, 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। तो हम इसमें देखिए 2 आलू डाल दे रहे हैं। तो आलू भी डालने से बहुत टेस्टी लगता है ये आलू का स्वाद। तो देखिए इस तरह से 2 आलू को चौड़ा चौड़ा काट के डाल दिया है, और 2 लहसुन को डाल दिया है, सब गोटा ही लहसुन डाल दिया है। और सारे चीज़ों को मिला के अच्छे से हम इसको ढक के 15-20 मिनट और पका लेते हैं, ताकि आलू और लहसुन सब, आलू को मैंने लास्ट में इसलिए डाला है कि मटन पकने में टाइम लगता है लेकिन आलू पकने में टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, तब इसको साइड में कर देते हैं। साथ में देखिए हमने कढ़ाई में गरम होने के लिए चढ़ाया था, तो कढ़ाई में हम तेल डाल दे रहे हैं, सरसों का तेल, और साथ में देखिए 2-3 हम सूखी मिर्च डाल दे रहे हैं, और 1 तेज़पात डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा जीरा डाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, जो भी आपके पास गरम मसाला हो वो डाल दें, अवेलेबल हो जो घर में। तो मैं इसमें 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये 1 दालचीनी, सारी चीज़ों को हम चटकने देते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मेरे अच्छे से चटक चुके हैं। तो मैंने मसाला जो रेडी करके रखा था उसमें से 1 चम्मच मसाला डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई कर ले रहे हैं मसाले के साथ। देखिए अच्छे से मेरा अच्छे मसाले के साथ फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो मटन है वो हम डाल देते हैं। तो देखिए पहले हम मटन डाल के इसको अच्छे से एकदम तेल में फ्राई करके भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, साथ में आलू और मटन को मैं तेल में अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, भून ले रही हूँ। जब इस तरह से बनाएंगे तो एकदम सिंपल है बनाना, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये मटन। इस तरह से आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से भून चुके हैं, 1 से 2 मिनट इसको चलाते हुए हम इस तरह से हम इसको भून लेते हैं।
तो देखिए कितना अच्छा मेरा इसमें कलर भी आ गया है और भून भी गया है। तो अब हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं, जिससे मटन का कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए एकदम मटन मेरा कितना अच्छा भुना चुका है। देखिए आलू और मटन सब कितने अच्छे भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड, जो भी ग्रेवी बचा हुआ है उसको भी हम डाल के इसको अच्छे से, इसमें देखिए सारा ग्रेवी मैंने डाल दिया है जो पतीले में बचा हुआ था, उसको भी मैं इस तरह से खौला लेते हैं। इसको भी हमने 5 से 10 मिनट पका लिया है अच्छे से। मटन तो ऑलरेडी मेरा पका ही हुआ है एकदम। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल दे रहे हैं बारीक काट के। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आप लोगों को, यदि मटन की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे फ्रेंड मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी मटन और आलू बनके रेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये मटन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड यदि आप लोगों को ये मटन की रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी इसी तरह से नए रेसिपी के साथ। तो ये मटन आप रोटी पराठा चावल पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरह से एकदम सिम, देखिए बनाना कितना सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी है एकदम। तो आई होप देखिए ग्रेवी भी कितना अच्छा है, थोड़ा ठंडा हो गया, गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है तभी इसमें थोड़ा सा देखिए कलर भी आएगा। तो देखिए कितना अच्छा बन के मेरा रेडी हो चुका है, स्टीम हटा है तो देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो फिर मैं मिलती हूँ एक अगले नए रेसिपी के साथ। तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। ये देखिए इस तरह से मटन जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। और ढेर सारा हरा धनिया डाल दे तो हरा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरा देखिए तड़ी वाला मटन कड़ी बन के रेडी हो चुका है और ग्रेवी भी एकदम मस्त हुआ है। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।